जहां भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश में विकास को लेकर के आई थी, वहीं आज ऐसा विकास देखने को मिल रहा है जो शायद आप देख भी ना पाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपके साथ संजना चौरसिया, आप देख रहे हैं इंडिया तक। तो चलिए, जो उत्तर प्रदेश में विकास लेकर के गए थे जो भारतीय जनता पार्टी विकास लेकर के आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको उसी रास्ते पर लेकर के चलते हैं। तो आप देखिए, ये विकास किया गया है दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और साथ ही आपको ये बता दें, जो यहाँ की विधायक हैं संगीता चौहान, जो आई थी सत्ता में ये बोल करके कि विकास और विश्वास सबका जीतेंगे, तो क्या आपको इसे देख करके लग रहा है कि उन्होंने सबका विकास और सबका विश्वास जीत लिया है? आप देख सकते हैं दूर दूर तक कि किस तरीके से विकास किया गया है कि शायद चलने पर भी ना मिल रहा हो। और गंदा इतना कि मतलब आप पूछ भी नहीं सकते, आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसा विकास है कि इंसान पैर नहीं रख सकता उस विकास के अंदर। और आप खुद देख सकते हैं कि दूर दूर तक किस तरीके से पानी भरा हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी ये बोल करके आई थी कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। और आप देखिए कैसे लोगों को यहाँ की व्यवस्था पर कितना एतबार है, आप वो खुद भी देख सकते हैं कि शायद कोई इस रास्ते से जाए तो गिर भी सकता है। तो ये है बीजेपी की अर्थव्यवस्था, ये है बीजेपी का विकास जो उत्तर प्रदेश में लेकर के आई थी। तो क्या अब इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के देखने को मिलता है कि सच में उत्तर प्रदेश में विकास किया गया है? क्या सच में जो योगी जी की सरकार आई थी, जो विकास लेकर के आई थी, वो आपको दूर दूर तक देखने को मिल रहा है? और साथ ही बात करते हैं यहाँ की, वे जो विधायक है संगीता चौहान, उनका जो विकास है वो तो यहाँ से दूर दूर तक नज़र आ रहा है कि कौन सा विकास करके आई हैं वो। तो बाकी देखना ये है कि अब की बार जो सरकार आती है या उन्हीं की सरकार आए, अब देखना है कि अब कौन सी व्यवस्था, कौन सा विकास लेकर के आएगी, या इसी तरीके का विकास आगे भी चलता रहेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये जो व्यवस्था आपको देखने को मिल रहा है, ये नोगामा शादात यानी विधानसभा 40 चांद नगर में मौजूद है। तो ये है संगीता जी का विकास, ये है भारतीय जनता पार्टी का विकास कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो चुका है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि क्या हालात है यहाँ पर, पानी से भरे, यहाँ कैसे गड्ढे हो रखे हैं, किस तरीके का कीचड़ है, और कैसा विकास है ये बीजेपी के अंदर। जो कहकर आई थी कि विकास और विश्वास सबका जीतेंगे, क्या ऐसे ही विकास और विश्वास सबका जीत पाएंगे वो? क्या ऐसे ही संगीता जी काम करेंगी अपने लोगों के लिए, जिन लोगों ने उन्हें मत दे करके विधायक बनाया था, जिन लोगों ने बीजेपी को सरकार बनाया था?